इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में अपने बजट रिप्लाई में राज्य के कई जगहों के लिए नई घोषणाओं का जिक्र करते हुए हॉर्स ट्रेडिंग, जीएसटी नोटबंदी, किसान आंदोलन, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में तोड़ मरोड़ करने के साथ साथ अन्य मुद्दों पर विपक्ष और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस मौके पर गहलोत ने यह भी कहा कि जिंदगी में सीएम बनने के लिए वैल्यू बेस्ड राजनीति करनी पड़ती है, ऐसा नहीं करोगे तो सीएम नहीं बन पाओगे। गहलोत ने राज्य में हिटलर शाही की बात पर तंज कसा और यह भी कहा कि हिटलर शाही दिल्ली में चल रही है। गहलोत ने यह भी कहा कि आज इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, कोई बचा है क्या? अचानक से नोटबंदी हो गई, काम धंधे बर्बाद हो गए, कोई सुनने वाला नहीं। जीएसटी के एक स्लैब के जरिए 5 स्लैब बना दिए गए, काले कानून बन गए, लेकिन कोई परवाह नहीं। ये हो क्या रहा है, कोई कहने देखने वाला नहीं। इस दौरान सीएम ने आंदोलन जीवी शब्द को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए ये कहा कि हम आपको चिरंजीवी कहेंगे, हम आपके आगे बढ़ने की शुभकामना करते हैं। आपको खाली बोलना था, अटैक करना था, आंकड़े बताने थे, कोई ढंग से कहा आपने। आप नेता प्रतिपक्ष के हिसाब से अगर बोलते तो हमारी विश्लेषण करते, आप कुछ कुछ अप्रिशिएट करते, कुछ आलोचना करते, कमियां बताते, हम तो खुश होते हैं। ठाकुर से वाली बात है, हम खुश नहीं होते हैं। हम जब खुश होते हैं तो हमारे कोई साथी भी आता, मैं कहता हूँ तुम सही बात कहो तो मुझे खुशी होगी। 14 पानी कमीशन की भावनाओं की धज्जियां उड़ाने वाली सरकार, केंद्र सरकार 32 से 42 पे ने किया डिवोल्यूशन फाइनेंशियल, उसको ये पैरामीटर चेंज करके उसको बराबर कर दिया, कोई फायदा नहीं मिला। हिटलर तक बात आ गई, हिटलर तक बताइए आप, हम हिटलर हैं? हम लोग हिटलर हैं? बताइए अध्यक्ष महोदय, हिटलर शाही कहाँ चल रही है, राजस्थान में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, बताइए। पता नहीं कौन कौन जीवी है हमारे माननीय सदस्य जो आते आमेर से, उन्होंने आंदोलन जीवी को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। अरे हम तो कहेंगे आप चिरंजीवी हो, आप हम चिरंजीवी कहेंगे आप, हम आंदोलन जीवी नहीं कहेंगे। हमारे हम तो आपके शुभकामनाएं करते हैं आपके आगे बढ़ने की। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई तो चुनाव पोस्टपोन, राज्यसभा के कमाल है। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, 2 चुनाव मैंने हिंदुस्तान कभी नहीं सुना आज़ादी के बाद में। मेरे ख्याल कैलाश जी बहुत वरिष्ठ नेता है, कैलाश मेघवाले बैठे हुए हैं, 2 सीटें खाली है राज्यसभा की, चुनाव एक साथ होते हैं, जीतने के लिए 2 सीटों का भी अलग अलग डेट रख दिया, दोनों सीटें जीत गई बीजेपी गुजरात के अंदर। क्या कहोगे इसका? ये स्थिति है देश के अंदर। और आप में जो लोग शरीक थे अमित शाह का साथ देने वाले, यहाँ बैठे हुए चेहरे मुझे मालूम है कौन कौन है वो। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अब बकायदा प्रोविजन किया है पैसे का, प्रोविजन करके हम लोगों ने 832 की जगह 1,000 रुपये किसान को, दस हजार की बजाय 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा।